नमस्कार दोस्तों, ये सैमसंग की फ्लैट टीवी है जो कि 21 इंच की है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट हैं जो कि आपको जो कि इसका एक सीक्रेट फॉल्ट माना जाता है, जहाँ पे जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जहाँ काफ़ी हीट होता है, मतलब गर्म होता है, तो वो ट्रांजिस्टर गर्म क्यों होता है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी हमारा ESD बन के तुरंत जो है प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, बंद हो जाती है। और ये सिर्फ ये दो फॉल्ट का हम आपको, बहुत एक सीक्रेट फॉल्ट है जो कि हम चलिए बताते हैं आपको आगे। यहाँ पे आप देखें ये वर्टिकल है और ये यहाँ पे ये दो डायोड लगे हैं, ये दो डायोड पे जो सप्लाई है हमारी, देखें ये 14.4 वोल्ट है और एक सप्लाई जो है SMPS से बन रही है और एक सप्लाई जो है ST जब बन जाती है तो हमारी वो ESD से सप्लाई आती है और ये ड्राइवर को जाती है। अब यहाँ प्रॉब्लम जो हमारा आता है उसे आप एक सेकंड इसे देखें, यहाँ पे ये देखें ये जो सप्लाई आ रही है हमारी, ये यहाँ पे जो सप्लाई बन रही है ये 14-15 वोल्ट 14-15 वोल्ट के आसपास रहती है और इसे जो इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे जो है सप्लाई यहाँ आती है और यहाँ से ये यहाँ पे जाती है। अब देखें यहाँ जो है जो पॉजिटिव सप्लाई बन रही है और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ देखिए एक डायोड ये भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दोनों एक हो गए। अब ये सप्लाई जो 15 वोल्ट की बनी तो यहाँ पे आई और ये सीधे जाएगी ड्राइवर ट्रांसफार्मर को, जहाँ से वो स्विचिंग होगा और हॉरिजॉन्टल हमारा आउटपुट काम करेगा जिससे ST बनेगी। और ST बनने के बाद फिर एक फीडबैक के रूप में ये सप्लाई यहाँ पर आएगी जो कि ये ST से जनरेट होती है सप्लाई, और यहाँ पर बनने के बाद में ये सप्लाई फिर इसमें जो है जुड़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये डायोड जो है यहाँ फॉल्ट हो जाता है डायोड, जो कि हमारा ESD बनेगा और बनने के तुरंत बाद में जो है बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ सप्लाई ड्रॉप होगी, जब आप मल्टीमीटर लगाइएगा तो सप्लाई ड्रॉप होगी और डायोड को देखिएगा तो डायोड फॉल्ट निकलेगा, और या कभी कभी वो डायोड सही भी बताता है लेकिन जब ये ESD बनती है उस समय ये डायोड ओपन हो जाता है और सप्लाई यहाँ नहीं पहुँच पाती, जिससे हमारा ड्राइवर को बूस्ट सप्लाई नहीं मिलती। तो उस कंडीशन में ये जो है हमारा ड्राइवर काम नहीं करता और ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, स्टैंड बाई हो जाती है, जो कि सैमसंग का ये एक टिपिकल फॉल्ट है। और दूसरा फॉल्ट इसमें ये तो जैसे आप समझ ही गए, जो कि यहाँ पे देख लें एक बार वोल्टेज और आप उसे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे इतने ही वोल्टेज जो है आना चाहिए। और इस कंडीशन में यहाँ जो DT पे पहुँच रही है ड्राइवर पे, यहाँ पे ये वोल्टेज है। और इसके बाद एक फॉल्ट और है जो कि यहाँ देखें ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि वहाँ से आने वाली सप्लाई इस रेजिस्टेंस के द्वारा इस ड्राइवर को जाएगी, जहाँ पे उस सप्लाई को बूस्ट करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे सप्लाई जो कि ड्रॉप हो जाती है या वीक हो जाती है सप्लाई, उसे फिर से बूस्ट करने का काम करता है। क्योंकि जब स्विचिंग होता है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप होता है तो ये कैपेसिटर के द्वारा उसकी वोल्टेज की पूर्ति की जाती है, मतलब कंप्लीट वोल्टेज इसी से होता है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम यह है कि बाई चांस हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ, हमने फिर दोबारा लगाया और दोबारा लगाने के बाद में अगर वो हीट होके थोड़ी देर बाद वो फॉल्ट हो जा रहा है 10 मिनट बाद, या हीट सिंक लगाते हैं अलग से तो भी जो है हमारा बहुत ही ओवर हीट हो जाता है हीट सिंक और ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे जो कि D2499 का जो ट्रांजिस्टर लगता है 2499, उस पे जो है हीट सिंक नहीं लगता, ये सैमसंग में आप देखे होंगे, और ही ना ही वो
हीट होता है, बहुत नॉर्मली जो हल्का सा हीटिंग होता है, बाकी हीटिंग नहीं होता है। तो उसमें जो प्रॉब्लम ये है, जो अगर आपका बार बार ट्रांजिस्टर ख़राब हो जा रहा है, तो वहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसे आप नया लगा दें, उससे जो है आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और क्योंकि हमने देखा यहाँ पे जो हमको फॉल्ट मिला था, तो यहाँ पे 9 वोल्ट 10 वोल्ट के आसपास जो है हमको दिखा रहा था, हमने जो है यहाँ पे कैपेसिटर को बदला और जो है सेट ओके हो गया नॉर्मली हीटिंग में। ये कैपेसिटर है जो कि यहाँ से सप्लाई जो है दोनों सीधे इस डीटी पे गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सैमसंग के और भी जितने टिपिकल फॉल्ट हैं उसे हम एक वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।